हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रेडअप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर, और मैं आज आप लोग के बीच में एक वीडियो लेकर आया हूं जो आपका महत्वपूर्ण विधान परिषद का सीटें है, जो आपका उसका ट्रिक है विधान परिषद की, जो आपका बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ साथ थोड़ा आपका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता जाएंगे आप लोग को जी। तो एक सवाल ये आता रहता है इस चैप्टर से, इस पॉइंट से सवाल आता रहता है कि विधान परिषद हमारे कितने राज्यों में है, कितने सीटें हैं, ये सब आते रहता है। तो मैं आज आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेकर आया हूँ छोटा, और साथ में ट्रिक लेकर आया हूँ, और इस ट्रिक अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे अधिक से अधिक। तो एक बार फिर से मैं शुरू करने से पहले सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का जो मोस्ट आपका विधान परिषद, ये आपका विधान परिषद का ट्रिक है जो छह राज्यों में, कितने राज्यों में, छह राज्यों में, इस तरह याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम पूछे कि विधान परिषद की सीटें वर्तमान में कितने राज्यों में, तो छह राज्य में जी। आप ये पुराने जो बुक पढ़ेंगे उसमें आपका सात राज्य दिया हुआ, लेकिन जो आपका हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया विधान जम्मू कश्मीर को, तो उससे जम्मू कश्मीर को इससे बाहर कर दिया गया, तो याद रखेंगे अब वर्तमान में छह राज्य में विधान परिषद है। और जम्मू कश्मीर में जो आपको मालूम होगा विधान परिषद की सीटें जो आपका था 36, लेकिन आपको यहाँ पे मालूम होगा कि विधान परिषद की सीटें कम से कम 40 होना चाहिए, ये आपको मालूम होगा जी। तो यहाँ पे आप याद रखिए विधान परिषद की सीटें जो आपका छह राज्य में है, कितने राज्य में, आपका छह राज्य में विधान परिषद की सीटें याद रखिए। उसका ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, कौन सा ट्रिक है आपका यहाँ पे देख लेंगे जी। ये आपका क्या है, अब तुम करना जरा, ये सवाल आपका ट्रिक है, अब तुम करना जरा, ये मैं छोटा ट्रिक लेकर आया हूँ, और इस ट्रिक से ही आपको विशेष जानकारी मिल जाएगी और जरूर आपके एग्जाम के लिए जो एनटीपीसी आपका बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, दिल्ली पुलिस, सभी एग्जाम के लिए आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड जो एग्जाम होने वाले सभी एग्जाम में आते रहते हैं इस ट्रिक से, इस टॉपिक से। तो मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, तो जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और एक आप कॉपी में नोट करते जाएंगे जी बिल्कुल। तो मैं शुरू करता हूं, ए बी अब, यानी अब तुम करना जरा, ये आपका ट्रिक है जी। तो याद रखिए एक मतलब हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और बी का मतलब आपका बिहार, और टी का मतलब हो गया आपका तेलंगाना, और एम का मतलब हो गया आपका एम, यहां पे छूट गया सॉरी, यहां पे देखेंगे फिर से मैं कर लेता हूं, फिर से मैं रिपीट कर लेता हूं, ए का मतलब आंध्र प्रदेश, बी का मतलब बिहार, और टी का मतलब तेलंगाना, यू का मतलब उत्तर प्रदेश, एम का मतलब महाराष्ट्र, और करना, करना मतलब कर्नाटक जी। कहाँ करना, नाटक, कर्नाटक में करना, ये आपका ट्रिक है। और जरा जरा ये आपका साइलेंट है जी, बिल्कुल साइलेंट रखेंगे जो, यानी अब तुम करना जरा, ये ट्रिक है आपका विधान परिषद की, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे अब क्या पूछा है कि ए का मतलब तो आंध्र प्रदेश क्लियर हो गए, बी का मतलब बिहार ये भी क्लियर हो गए, टी का मतलब तेलंगाना ये भी क्लियर हो गए, और आपका यू का मतलब उत्तर प्रदेश ये भी क्लियर हो गए, और एम का मतलब महाराष्ट्र ये भी क्लियर हो गए, और करना, तो करना कहाँ करना, कर्नाटक करना, कहाँ करना है, कर्नाटक में, नाटक कहाँ करना है, तो कर्नाटक में जी, ऐसे याद रखेंगे। तो आपका कर्नाटक, आप यहाँ पे मैंने जो लिखा कोष्ट में जी, कोष्ट में मैं जो लिखा वो विधान परिषद की सीटें हैं, क्या चीज का सीटें, विधान परिषद की सीटें याद रखेंगे। तो अब क्या पूछिए आपसे कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में विधानसभा सॉरी विधान परिषद की सीटें कितनी है, तो 50, और आपका बिहार में पूछिए विधान परिषद की सीटें कितना है, 75, और आपका तेलंगाना में पूछिए कितने विधान परिषद की सीटें हैं, तो आपका 40, और उत्तर प्रदेश में पूछिए विधान परिषद की सीटें कितनी है, तो 99, और आपका महाराष्ट्र में पूछिए कितना विधान परिषद की सीटें हैं, 78, और आपका कर्नाटक में पूछिए विधान परिषद की सीटें कितना है, 75 जी। याद रखें बिहार और कर्नाटक में आपका विधान परिषद की सीटें 75-75 हैं, याद रखें। तो आपको यहाँ पे सवाल पूछेगा, पहले यहाँ पे देख लेंगे कि विधान परिषद को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक बोलते हैं, याद रखें आपका द्विसदनात्मक आपका कहा जाता है विधान परिषद की, यानी डबल असेंबली कहा जाता है, यहाँ पे क्या कहता है, डबल असेंबली कहा जाता है,
याद रखिए, विधान परिषद को डबल असेंबली या द्विसदनात्मक, ऐसे आपके एग्जाम में आते रहता है कि निम्न कौन सी राज्य जो आपका डबल असेंबली वाला है, या निम्न कौन सी राज्य आपका विधान परिषद, किस राज्य विधान परिषद की सीटें हैं, या ऐसे पूछा कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है, इस तरह ऐसे पूछते रहता है एग्जाम में। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका द्विसदनात्मक वाला राज्य कौन सा है, तो आप क्लियर होंगे, छह राज्य है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छह राज्य में। अब यहाँ पे क्या पूछेगा याद रखिए, जो विधान परिषद यानी डबल असेंबली द्विसदनात्मक राज्य बोलते हैं, जिस राज्य में विधान परिषद की सीटें नहीं है वो आपका एक सदनात्मक राज्य कहलाता है। जी याद रखें, जिस राज्य में विधान परिषद की सीटें नहीं एक सदनात्मक कहलाएगा, और जिस राज्य में विधान परिषद की सीटें हैं वो आपका द्विसदनात्मक कहलाएगा। जी तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, अभी थोड़ा सा ये तो ठीक मालूम हो गया छह राज्य में, यानी अब तुम करना जरा, ये ठीक है आपका, तो ये क्लियर हो गया। इससे आपका मैं बता दिया कौन कौन सा राज्य में सीटें और कौन 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 राज्य में विधान परिषद हैं। आप यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, पूछे आपसे एग्जाम है कि विधान परिषद जो आपका विधान परिषद का गठन पूछेगा, विधान परिषद का गठन अनुच्छेद कितने के तहत, तो 169, याद रखिए कितना, 169 विधान परिषद के गठन किया जाता है। जी याद रखें, अब यहाँ पे देखिए आप क्या बोलता है विधान परिषद, तो आपको दोस्तों मालूम होगा यहाँ पे जिस तरह आपका संसद जो होता है, संसद के दो सदन होते हैं, उसी तरह विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो इस तरह याद रखिए, जो आपका संसद में दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो आपको मालूम होगा उसका भी एक मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपका संसद में दो सदन होते हैं तो उसका भी आपका एक सिंपल ट्रिक है, सरला एक ट्रिक है आपको, जो यानी संसद हो जाता है यहाँ से, और एक राज्यसभा हो जाता है, राज्यसभा, और दूसरा हो गया लोकसभा। जी यहाँ पे रखें आपका जो संसद के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहे हैं कि संसद में जो आपका संसद के तीन अंग होते हैं, उसी प्रकार आपका विधान परिषद के भी तीन अंग होते हैं। जी याद रखें, जिस तरह संसद के तीन अंग होते हैं उसी तरह विधान परिषद के भी तीन अंग होते हैं, लेकिन आपका तीन अंग कब माना जाएगा विधान परिषद में, जिस राज्य विधान परिषद रहेंगे उसमें तीन अंग हो जाएंगे, जिस राज्य विधान परिषद नहीं रहेंगे दो ही होंगे आपका विधानसभा विधान परिषद, लेकिन आपको विधानमंडल का जो निर्माण किया गया है जिस राज्य विधान परिषद रहेंगे उसमें तीन हो जाएंगे आपको विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल, तीनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से किया गया आपको विधानमंडल का गठन, और संसद में आपको एक आपका जो संसद के तीन अंग होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण किया गया, और विधान परिषद में भी आपको मिलेगा तीन, जो विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल, याद रखें, लेकिन जिस राज्य में विधान परिषद नहीं रहेंगे वो आपका विधानसभा और राज्यपाल ही रहेंगे, ठीक है, तो इस तरह याद रखें। और आपका तो यहाँ पे के मैंने याद रखें, मैंने बताया होगा क्लास में भी बताए हुए कि एक ट्रिक है 89, जो एक 89 ट्रिक आपका अलग से है, तो आपसे क्या पूछे राज्यसभा का तुलना हमको किससे करना है, विधान परिषद से, राज्यसभा का तुलना किससे करना है, विधान परिषद से करना है तुलना, जो राज्य सभा को बोलते हैं संसद का उच्च सदन, तो इसको बोलते हैं विधानमंडल का उच्च सदन, विधान परिषद को क्या बोलते हैं, विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है, और संसद का आपका जो कहलाता है विधान उच्च सदन वो राज्यसभा कहलाता है। एक तो यहाँ पे देखिए, जो आपका मैट्रिक विधान परिषद आपको अगर अनुच्छेद मालूम होगा, ये जो संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, एकदम सरल है, सिंपल है, सरला ट्रिक है, सरल है ना, तो संसद गठन अनुच्छेद 79, राज्यसभा गठन 80 और लोकसभा गठन अनुच्छेद 81, तो उससे हमको राज्यसभा का तुलना विधान परिषद से करना है, राज्यसभा को तुलना किससे करना है, विधान परिषद से, तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 तो विधान परिषद कितना, तो 89 अलग से ट्रिक है, तो आपको मालूम होगा इसमें हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि 80 राज्यसभा, तो राज्यसभा को तुलना किसी विधान परिषद से, तो विधान परिषद पूछेगा अनुच्छेद कितना, तो एक अलग से मैंने ट्रिक बताया 89 उसमें ऐड करेंगे, तो 9 8 8 16, ये आपका 169 अनुच्छेद हो गया,
विधान परिषद अनुच्छेद कितना 169 जी आप देखें तो उसी तरह आपको राज्यसभा को तुलना विधान परिषद ये आपका परमानेंट हाउस है ये भी परमानेंट है इसको भंग नहीं किया जा सकता इसको भी विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता एक अस्थायी सदन है तो यहाँ पे देखेंगे विधान परिषद पूछेगा आपसे विधान परिषद गठन होगा अनुच्छेद कितना तो 169 जी मैंने ठीक बताया 80 उसमें जोड़ देना है नवासी जोड़ना है क्या जोड़ना है नवासी ये 80 राज्यसभा नवासी एक अलग से ठीक यूज करेंगे तो उसमें नवासी जोड़ देंगे तो 169 तो अनुच्छेद कितना 169 मैंने नवासी का ट्रिक बताया हूँ जो आपका एक ऑनलाइन क्लासेज में जी बिल्कुल तो याद रखेंगे 169 हो गया आपका विधान परिषद अब यहाँ पे देखिए विधान मंडल का उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को जी मैं थोड़ा सा देखा कि मैं एक ट्रिक लेकर आया और ट्रिक के साथ में थोड़ा सा आपको अलग से मैं बता दे रहा हूँ जी बिल्कुल विधान परिषद का गठन पूछिए अनुच्छेद कितना 169 और विधान मंडल का उच्च सदन किसको बोलते हैं तो विधान परिषद को जी विधान परिषद को आपका विधान मंडल का उच्च सदन कहा जाता है जिसे एक अस्थायी सदन है इसको भंग नहीं किया जा सकता है याद रखेंगे और आपका विधान परिषद की सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है याद रखें विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष अगर आपसे यह पूछ दे कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष होता है तो एक अस्थायी सदन है ये भंग नहीं किया जा सकता है उसी तरह इसको राज्यसभा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है इसको भी भंग नहीं किया जा सकता लेकिन आपसे क्या पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष तो 6 वर्ष लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल तो एक अस्थायी सदन है ये आपका आंसर होगा लेकिन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल के जो उच्च सदन होते हैं विधान परिषद होते हैं विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है 6 वर्ष और आप यहाँ पे देखेंगे विधान परिषद बनने के लिए आपसे पूछेगा 30 वर्ष विधान परिषद बनने के लिए कितना वर्ष तो 30 वर्ष तो इसी तरह आपसे पूछेगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष तो आपका 30 वर्ष मतलब कहने का मतलब कि राज्यसभा को तुलना विधान परिषद से करते हैं राज्यसभा आपको केंद्र में हो गया और विधान परिषद जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में होगा ठीक है तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष क्लियर हो गए और विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछेगा तो 30 वर्ष अधिकतम आयु पूछे तो कोई सीमा नहीं होता है आप यहाँ पे देखेंगे विधान परिषद का सदस्य पूछेगा कि एक तिहाई 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं जी आपको मालूम है 6 वर्ष है इसको भंग नहीं किया जा सकता नहीं प्रत्येक जो एक तिहाई सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं याद रखेंगे अगर पूछे विधान परिषद का सदस्य पूछेगा आपसे एग्जाम में कि विधान परिषद का सदस्य एक तिहाई कितने वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो 2 वर्ष पर तो जस्ट इसको भी तुलनात्मक कर लेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं एक तिहाई कितने वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं 2 वर्ष पर राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए भी इसको तुलना राज्यसभा को तुलना विधान परिषद से करेंगे अब यहाँ देखें एक और विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जी याद रखें जो आपका एकल संगमनीय पद्धति द्वारा होता है जी विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है एकल संगमनीय पद्धति द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष द्वारा होता है जी अप्रत्यक्ष रूप से होता है आपका विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव तो इसका भी जस्ट उसी राज्यसभा का हुआ जी मैंने सोचा ये विधान परिषद के बारे में मैं वीडियो लेकर आया हूँ तो मैंने एक राज्यसभा ही साथ में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ साइड से तो राज्यसभा के भी जो होते हैं वो सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एक संगमनीय पद्धति द्वारा होता है याद रखें अब क्या पूछेगा यहाँ पे जी याद रखें कि विधान परिषद का गठन जी आपसे यहाँ पूछे कि विधान परिषद का गठन किस रूप में होता है तो याद रखें जो आपका विधान परिषद का गठन पूछेगा किस रूप में होता है तो आपका क्या बोला कि राज्य विधान सभा अपने कुल सदस्यों के यहाँ पे क्या बोला थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पे विधान परिषद का गठन राज्य विधान सभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से मत प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधानसभा विधान परिषद का गठन कर देता है मतलब कहने का कि विधान परिषद का गठन जो आपका राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या आपका वहां पे विधानसभा के कुल सदस्यों का या जो पूर्ण बहुमत तथा 2/3 बहुमत मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे विधानसभा
तो संसद आपका विधान परिषद का गठन कर देगा। जी याद रखिए, बिल्कुल आपका मालूम होगा कि हाल ही में जो 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लाया है, प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। याद रखिए, अभी वर्तमान में पूछेगा आपसे एग्जाम में कि कौन सा राज्य 27 जनवरी 2020 को आपका विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया है या केंद्र मंजूरी दी गई है, तो आपका आंध्र प्रदेश। याद रखें, और आंध्र प्रदेश ही आपका जो है, जो आंध्र प्रदेश ही आपका जो है, जो मतलब है 1957 में पहली बार विधान परिषद का गठन किया और 1985 में ही आपका विधान परिषद को समाप्त किया था आंध्र प्रदेश, और 2007 में पुनः भी लागू किया था। भी याद रखें, 2007 में पुनः लागू कर दिया। और अब अभी जो इसके पहले पूछेगा आपसे कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है, जो आपका 1986 में जो तमिलनाडु है। जी याद रखें, तमिलनाडु जो अन्य विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य है अभी, याद रखें। और अभी जो हाल ही में किस राज्य ने समाप्त करने का जो प्रस्ताव, तो आंध्र प्रदेश, याद रखें। और आंध्र प्रदेश में ही आपको सबसे पहले विधान परिषद का गठन किया गया 1957, 1985 में भंग कर दिया गया और फिर 2007 में लागू किया। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछता है यहाँ पे दोस्तों, याद रखें, एक अच्छे सवाल पूछता है कि कौन जो ऐसे होते हैं जिसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। जी, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछता है जो कौन सा, जो आपका विधानमंडल का जो होता है, जो आपको समाप्त नहीं, भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो आपका विधान परिषद। जी, ऑप्शन देगा विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे देगा आपको, तो क्या आंसर होगा, विधान परिषद मोस्ट है। याद रखें इसको, ठीक है, तो इस तरह याद रखें। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग थोड़ा सा और इसमें हम लोग और चर्चा कर लेते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम लोग, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका,